सात संगत जी मंच ते विराजमान अधिकारी पदाधिकारी गण आज मेरे जीवन का बहुत सौभाग्य है कि मैनू मीनाक्षी लेखी जी का हिरदा जानन दी मौका मिलिया। भाषण तो सुनते रहने हाँ पर हृदय को समझने का मौका आज पहली बार जीवन के अंदर आया है। मैं समझता हूँ कि आज समाज में जेड़े भाषण की लोड़ है जेड़े विचार की लोड़ है वो मीनाक्षी लेखी जी के विचार की लोड़ है। असी अपने आप को एक पासे विशाल और वड्डा कहते चाहते हैं सारी दुनिया का मालिक समझते हैं दूजे पासे बहुत छोटी छोटी गलां भी होते राष्ट्रीय सिख संगत वाले गुरु गोबिंद सिंह जी को उन्हों का जन्म मनाने का क्या हक रखते हैं ऐसे ऐसे विचार भी अंदर असं विचार करते सारी दुनिया मना रही है मनाई जाए जी गुरु गोबिंद सिंह जी ना होंगे पंथ प्रकाश आपने लिखा है भाई साहब ने सत्य धर्म की देख के हानि जब भारत की टूटी आस न होते गुरु गोविंद सिंह हिंदू धर्म का होता नाश। आगे कितनी भाषी आए छाए जाती एकता अनेकता मिलाई जाती है होती कुचीलता कतेवन पुराण की पाप ही परपक जाते धर्म धसक जाते वर्ण गरक जाते सहित विधान की देवी देव दे हो रे संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाति कथा वेदन पुराण की गुरु गोविंद सिंह पावन सूर मूर्ति न होती जो कोई करुणा निदान बोले सोनिहाल। बालक गोविंद जी ने जब अपने पिता जी को किया कि पिता जी आप तो वड्डा महापुरुष कौन हो सकता है क्लियर हो गया कि बेटा बाप नू कह रहा है कि तुसी जाओ कुर्बानी करो। उस वेले एक बरीकी आदमी के सामने लियानी है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाल अवस्था के अंदर उन्होंने विचार कर अपनी पुछड़ के अंदर बढ़ा लिया। तेग बहादुर जी ने अपने बेटे को कि बेटा जी मैं दिल्ली जावगा तो मैं तो वापस नहीं आवगा बात औरंगजेब है कतल कर देगा तो तुझसे बड़े छोटे जे हो तो रक्षा कौन करेगा। इस गुरु नानक साहब ने जो सीखी का बूटा लाया है इस बूटे की रक्षा कौन करेगा इस सीखी दुनिया के अंदर कौन फैलाएगा। बाल गोविंद जी पंच प्रकाश जिक्र है उत्तर देता पिताजी जब थे उधर में मात के करे रखवारी जोड़ी। जब हम माता के गर्भ में थे उसने हमारी 9 महीने तक रक्षा करी जब थे उधर में मात के करे रखवारी जोड़े अब तो भाई 9 साल के क्यों सहाई हो अब तो 9 साल के हो गए अब हम 9 महीने के नहीं रहे हैं तो 9 महीने जिसने रक्षा करी कि वो 9 साल के होने के बाद हमारी रक्षा करी अपनी छोटी सी उम्र के अंदर आज क्या समाज को गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन का हिस्सा अपनाना चाहिए है इस बारे मीनाक्षी लेखी जी ने बहुत मेरे हिसाब के नाल गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के अंदर अथाह अगणित गुण हैं और आज जिस गुरु की सब तो ज़्यादा लोड़ है कि भक्ति चली आ रही थी पर गुरु नानक साहब की भक्ति कायरा की भक्ति नहीं है गुरु गोविंद सिंह की भक्ति बहादुर की और शेरा की भक्ति है। उस भक्ति के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी ने जोड़िया शक्ति में
उससे आज हिंदुस्तान को लोड है। उन्होंने आके गए वो अपने प्रधानमंत्री इजराइल भी मैंने पहली बार मीनाक्षी जी जीवन ठीक कर देंगे जे मैं गलत बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर क्या दुनिया के भर के अंदर इतने मेहमान आए इतने आए पर किसी ने इतनी हिम्मत लाल नहीं किया कि जी राष्ट्र की रक्षा करनी है ठीक ढंग से नाल राष्ट्र में शक्ति होनी चाहिए ये कहने वाला केवल इतना नाव की पहला और ये कहने वाले गुरु गोविंद सिंह जी उससे पहले कि जब तक भक्ति के साथ शक्ति नहीं होगी कोई भी इंसान अपनी रक्षा नहीं कर सकता कोई भी देश अपनी रक्षा नहीं कर सकता कोई भी समाज भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। मैं इन सारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जिसे प्यार दिया है जहाँ हमको इतना प्रेम का सारे देश का संदेश दिया है वहाँ पर उन्होंने हमारे को हम शक्ति संपन्न बने और मैं समझता हूँ क्या कि अपने देश में सब तो वड्डी जो लोड़ है जिथे प्रेम की लोड़ है जिथे देश प्रेम की लोड़ है देश भक्ति की लोड़ है उत्थे देश के अंदर शक्ति की बड़ी भारी लोड़ है। इसकी प्रेरणा गुरु गोविंद सिंह जी सानू दे रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।